हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि पोको X4 Pro 5G डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट जो कि MIUI 13.0.3.0 लेटेस्ट न्यू वर्जन के साथ कल से सभी यूजर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों, इस अपडेट के बाद आपके फोन में काफी सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बना के रखा है। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले फुल बैटरी चार्जिंग टेस्ट, जो कि 0% से लेकर 100% तक फुल बैटरी चार्जिंग टेस्ट करके देखने वाले हैं आफ्टर एंड्रॉइड 12 में आपको कैसा रिजल्ट मिल जाता है। सो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो चलिए दोस्तों, पोको X4 Pro 5G डिवाइस के जो चार्जिंग टेस्ट है, चार्जिंग टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे ओरिजिनल चार्जर एंड ओरिजिनल केबल को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसका जो चार्जर है 67 वाट का फास्ट टर्बो चार्जर मिल जाता है एंड एक स्टॉपवॉच भी रखेंगे। हमको यहाँ पे रिजल्ट भी चेकआउट करना है। एंड जो स्टार्टिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है एंड जो मेरा रूम टेम्परेचर अराउंड वो भी देखेंगे 26 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सेटअप को कंप्लीट करेंगे, सारा का सारा यहाँ पर कनेक्शन करेंगे एंड यहाँ पे चार्जिंग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, मैंने बटन को स्टार्ट किया एंड बटन को स्टार्ट करने के बाद हमारा जो स्टॉपवॉच है, स्टॉपवॉच को भी स्टार्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों, मैं आपको सारे के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे फटाफट बताने वाला, वो भी यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करने के बाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एंड्रॉइड 12 के बाद काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि यार डिवाइस यहाँ पे ज्यादा हीट हो रहा है। सो पहले 5 मिनट का रिजल्ट चेकआउट करके देख सकते थे, यार मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ 5% ही बैटरी चार्ज देखने को मिली है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो बैटरी है पूरा का पूरा यहाँ पर 0% यहाँ पर डिस्चार्ज किया था। इसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 10 मिनट का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 मिनट के रिजल्ट के बाद आप देख सकते हैं 24% बैटरी चार्ज हो चुके, जो कि यार ठीक ठाक बैटरी चार्ज हो चुके, ज़्यादा कुछ बेटर रिजल्ट नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट के रिजल्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 15 मिनट में देखेंगे 33% बैटरी चार्ज हो चुके हैं। अगेन मेरे हिसाब से जो बैटरी ठीक ठाक ही यहाँ पर चार्ज हो रही है। एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, सो टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है। और हम देखेंगे यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है जस्ट 15 मिनट में। चलिए दोस्तों, बात करेंगे 30 मिनट में क्या कुछ रिजल्ट्स आपको मिल जाता है। सो 30 मिनट में देखेंगे आपकी जो बैटरी 62% चार्ज हो चुकी है। एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, सो डिवाइस थोड़ा बहुत मुझे हीट लग रहा है। सो अराउंड टेम्परेचर देख सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका है। हालांकि दोस्तों, अभी जो माहौल यहाँ पे सर्दियों का मौसम है, लेकिन यार फिर भी देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे हीटिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे फटाफट से रिजल्ट्स बताने वाले। तो यहाँ पे 40 मिनट में देखेंगे आपकी जो बैटरी 82% चार्ज हो चुकी है। एंड मेरे हिसाब से देखिए ठीक ठाक यहाँ पर बैटरी चार्ज हो रही है। एंड दोस्तों, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, सो 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ चुका है। एंड इसके बाद मुझे लगता है कि शायद थोड़ा थोड़ा बैटरी यहाँ पर स्लो चार्ज हो जाएगा एंड जो टेम्परेचर है वो भी यार थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। अब दोस्तों, हम यहाँ पे रिजल्ट्स के नजदीक आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 50 मिनट्स में यहाँ पे 93% बैटरी चार्ज हो रही है। एंड कभी भी देख सकते हैं आपको जो बैटरी 100% चार्ज हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि यार कम से कम आपको यहाँ पर 1 घंटा तो लग ही जाएगा। एंड दोस्तों, जो चार्जिंग का रिजल्ट है आफ्टर एंड्रॉइड 12 अपडेट के बाद, मुझे ज्यादा कुछ खास यहाँ पे तो इम्प्रूव नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था उसमें देखेंगे 46 या फिर 47 मिनट के आसपास मैंने यहाँ पे पोको X4 Pro की जो बैटरी है वो 100% चार्ज की गई थी। बट दोस्तों, अभी एंड्रॉइड 12 के बाद कुछ ज्यादा यहाँ पर टाइम ले रहा है चार्जिंग करने के लिए। सो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। सो यहाँ पे फाइनली पोको X4 Pro 5G डिवाइस यहाँ पे कम्प्लीटली 100% चार्ज हो चुका है 1 hour 3 minute के बाद, जो कि एंड्रॉइड 12 के बाद का रिजल्ट है। एंड इसके बाद दोस्तों, टेम्परेचर भी देख सकते हैं, टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत डाउन हो चुका है, जो कि 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। वैसे दोस्तों, एंड्रॉइड 12 के बाद मुझे जो बैटरी चार्जिंग टेस्ट का जो स्पीड है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत कम देखने को मिला एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट, क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था तो मुझे जो बैटरी है अराउंड 47 मिनट के आसपास यहाँ पर 100% फुल्ली चार्ज हो गया था। वैसे दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका जो फोन है यहाँ पर चार्जिंग होने में कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे बैटरी बैकअप एंड बैटरी ड्रेन इश्यूज के बारे में, क्योंकि यार काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था। सो फ्रेंड्स, बैटरी बैकअप तो मुझे यार काफी अच्छा एंड काफी बेटर देखने को मिल चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट। सो बैटरी बैकअप आपको एंड्रॉइड 12 के बाद काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। एंड जो बैटरी ड्रेन का इश्यूज था, मतलब कि ओवरनाइट बैटरी ड्रेन का इश्यूज था, वो भी यार कम्प्लीटली फिक्स किया गया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।